और सब भूल गए हर फे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर फे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में फंसती जा रही है। बीजेपी चाहती है कि वो हर चुनाव में पीएम मोदी को आगे कर दे, यानी वो हर छोटे बड़े चुनाव में मोदी जी के चेहरे पर अपना जौहर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब जनता को मोदी का चेहरा पुराना लगने लगा है। पीएम मोदी के चेहरे को देखकर जनता का पारा हाई होता जा रहा है। बीजेपी महंगाई को कोई मुद्दा ही नहीं मान रही है, लेकिन जनता ने जलाने वाले तेल से लेकर खाने वाले तेल तक का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। और लगे हाथ जनता ने 2022 के यूपी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐसा ट्रेलर दिखाया है कि बीजेपी हाय तौबा कर रही है। अब तो बीजेपी के अपने नेता ही कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो महंगाई को कंट्रोल करना होगा, वरना अगर जनता ने महंगाई कंट्रोल करने का जिम्मा अपने सिर पर उठा लिया तब पूरी की पूरी भाजपा की सरकार उठेगी नहीं बल्कि उठ जाएगी। अब बीजेपी का अपने ही सूबे की 3 विधानसभा सीटों पर ऐसा झटका लगा है जिसकी धमक शिमला से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है, और संघ के नागपुर हेडक्वार्टर में तो पहले से ही भूचाल आया हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के सिर पर उपचुनाव में मिली हार का ठीकरा फोड़ दिया है और कह दिया बीजेपी को जनता ने नहीं हराया बल्कि महंगाई ने हराया है। बीजेपी के लिए ये बात और भी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि ये बात कांग्रेस ने नहीं कही, बसपा ने नहीं कही, सपा ने भी नहीं कही और ना ही ओवैसी ने कही, बल्कि ये बात तो खुद बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री ने कह दी है, जिसके बाद बीजेपी के लिए अब विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि महंगाई ही बीजेपी के लिए विपक्ष बन चुकी है और ये महंगाई ही बीजेपी को डायन बनकर खत्म करने वाली है? आखिर बीजेपी को अपने ही लोग दिखाने लगे हैं लाल आंख, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले राज्य में अब बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी बहुत शर्मनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। अपने ही राज्य में हुए उपचुनाव में बीजेपी हाथ मलती रह गई और एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी को मिली इस शर्मनाक हार के बाद अब बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने अफसोस जताया है। जयराम ठाकुर ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी अपनी इस हार का जायजा लेगी, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने जो कहा वो मोदी, अमित शाह, खट्टर, शिवराज और आदित्यनाथ को गौर से सुनना चाहिए। जयराम ठाकुर ने इस हार के लिए महंगाई को जिम्मेदार माना है और कहा है कि अगर विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे ज्यादा आक्रामक तरीके से नहीं उठाया होता बीजेपी की हार नहीं होती। जयराम ठाकुर ने यह भी कह दिया कि पार्टी को जनता ने नहीं बल्कि महंगाई ने हराया। बीजेपी को मिली इस शर्मनाक हार के बाद बीजेपी के सीनियर नेता भी पार्टी के भविष्य को लेकर दुबले होने लगे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर पी मुरलीधर राव ने भी हार पर निशाना जाहिर करते हुए कहा कि ये पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए एक वेकअप कॉल है, हमें इसकी गहराई में जाना होगा क्योंकि राज्य अगले साल विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहा है। उन्होंने इस हार को बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना है। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटें फतेहपुर, अर्की और जुबल कोटखाई पर जीत हासिल कर ली है। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को हार का मजा चखा दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को रिजल्ट का ऐलान किया, तब पता चला मोदी जी के करिश्मे का तेल निकल चुका है और जनता उस तेल में गुस्से की बत्ती डालकर पलीता लगा दिया है। कांग्रेस ने अपनी फतेहपुर और अर्की सीटें बरकरार रखी हैं, वहीं जुबल कोटखाई सीट भाजपा से छीनने में कामयाब हुई है। बीजेपी के लिए शर्म की खबर यह भी है कि एक सीट पर भाजपा का प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सका। जुबल कोटखाई सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नीलम सेराइक अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी, उन्हें महज 2,644 वोट ही मिले जबकि कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने 29,000 से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार से काफी दूर रहा, जबकि बीजेपी से ज्यादा वोट तो वहां का एक निर्दलीय उम्मीदवार झटक ले गया।
एक निर्दलीय उम्मीदवार चेतन सिंह बागरेटा को बीजेपी से ज्यादा वोट मिल गया। फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने बीजेपी के बदलेव ठाकुर को 5,789 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सूबे के पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजन सुशांत को 12,927 वोट मिले हैं। अर्की से कांग्रेस प्रत्याशी संजय ने भाजपा उम्मीदवार रतन सिंह पाल को हराया। किसी जमाने में भाजपा का गढ़ माने जाने वाले मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कारगिल युद्ध के सैनिक भाजपा प्रत्याशी कौशल ठाकुर को 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा की हार के बाद नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस ने सेमीफाइनल जीत ली है और अगले साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी अपनी कमियों को दूर करने के लिए रणनीति तैयार करेगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। और सुनिए कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने इस हार के लिए कैसे अपने ही लोगों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इल्जाम है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब का हुए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी मुस्कुराता हुआ चेहरा फिलहाल जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। जनता के मन में महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा आ रहा है। वैसे हर जीत के लिए अगर मोदी जी जिम्मेदार हैं तो मोदी जी की हार का ऐलान कर देना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीक हनफी ने भी क्या खूब फरमाया है, एक उसी को देख ना पाए वरना शहर की सड़कों पर, एक उसी को देख ना पाए वरना शहर की सड़कों पर, अच्छी अच्छी पोशाकें हैं, अच्छी सूरत वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।